लॉकडाउन में दवा लेने जा रहा नाबालिग युवक बना पुलिस प्रताड़ना का शिकार। खबर जालौन से है, जहां उरई मुख्यालय के चूड़ी मार्केट में एक 17 वर्षीय नाबालिग युवक को पुलिस ने इस कदर पीट दिया कि उसके शरीर पर बने जख्म किसी की गवाही से कम नहीं है। दरअसल पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के बजरिया चूड़ी मार्केट का है, जहां लॉकडाउन के समय में एक 17 साल का नाबालिग घर से दवा लेने के लिए निकला था। इसी दौरान उस पर पुलिस की नजर पड़ गई। पुलिस के सिपाही उस पर इस कदर टूट पड़े मानो जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। पुलिस ने उस युवक से बिना वजह जाने इतनी बेरहमी से पीटा कि युवक के शरीर पर आई चोटों के निशान पुलिस की बर्बरता की गवाही साक्षात देते दिख रहे हैं। पुलिस की पिटाई से युवक के शरीर पर काफी गहरी चोटों के निशान बन गए हैं और कई गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायल युवक के आक्रोशित परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने तहरीर देते हुए बताया बेवजह पुलिस के दो सिपाहियों ने उनके बेटे को बेरहमी से पीट पीट कर घायल कर दिया है। जी पहचानते हैं, बल्लभ नगर चौकी के थे। एक उसमें नया पुलिस वाला है। क्या नाम था, नाम जानते हैं? एक का सोमेश नाम है और एक का सिंह नाम है, कोई नया है उसका नाम नहीं मालूम। तो मारा क्यों आपको, कुछ कारण पता चला क्यों मारा है आपको? कारण पता नहीं, लड़के भाग रहे थे बस, वहीं हम खड़े हो गए, हमें मारने लगे। मतलब वो चलती रास्ता से रुके, हम मार्केट में गए, हमारा बच्चे ने फोन किया, मम्मी कहाँ, बहुत टाइम हो गया, तो हमने की मार्केट में आया, तो कह लगे हम आ रहे हैं आपको लेने और दवा भी लेने हैं, तो ठीक है आ जाओ घंटा घर से दवा दिला देंगे। हमारे लड़के को मारा दो पुलिस वालों ने, और इसकी उम्र मानने लायक तो जमीन में गिरा के मारा है, और अभी कुछ हो जाता तो क्या, कौन पुलिस वाला क्या करता? क्या उम्र है, क्या उम्र है? उम्र इसकी 17 साल है, गिरा के मारने लायक था। गलती मेरे बच्चे की क्या थी, हमें गलती बताई। किस चीज से मारा है? लाठी से मारा है। हाँ, ये प्रकरण संज्ञान में आया है और एक एप्लीकेशन इन्होंने दिया है, मैंने तत्काल से उस आपको जांच करने के लिए भेजा है। यदि कोई प्रक्रिया के विरुद्ध कार्रवाई की गई होगी तो निश्चित रूप से हम उनकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस के सिपाहियों ने बेरहमी से बच्चों को फिर मारा है, उसके पीठ पे निशान। हाँ, मैं कह चुका हूँ कि ये प्रार्थना पत्र मिला है, मुझे शिकायत आई है, इसकी जाँच सीओ साहब खुद करेंगे। अभी एप्लीकेशन जा रहा है, जाँच करके इस पर निर्णय भी होगा।